हेलो एवरीवन, निशाद फूड मैजिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं दाल तड़का की रेसिपी। तो चना दाल तड़का बना रही हूँ आज मैं, और इसे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं हम। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो दाल तड़का को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो घी गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हींग, और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून ही जीरा। और जीरा चटकने लगा है, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। तो 1 चम्मच यहाँ भर के हम लगभग 8 से 10 होंगे जवे लहसुन के। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमने डाल दिया है इसे। और इसको जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक इसे हमने फ्राई करना है। दाल हमने पहले से ही नमक और हल्दी डाल के बॉईल करके रखी हुई है। चने की दाल ली थी 1 कप, और यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे भी बिल्कुल बारीक चॉप किया है, और इसे हम अब डाल देंगे इसमें। तो यहाँ लहसुन हमारा हल्का सा पहले से ही ब्राउन हुआ हुआ है, प्याज के साथ ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर आ गया है दोनों का। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक। तो 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ यहाँ, आप तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 इंच के करीब होगा अदरक का टुकड़ा, उसे भी हमने कद्दूकस करके डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे हमने बारीक काट रखा है। ये सब 1 कप दाल के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, और डालने के बाद हम मिक्स करेंगे इसे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो दाल भी हमने नमक डाल के बॉईल किया हुआ है, तो सिर्फ मसाले का जो नमक है वही हम इसमें डाल रहे हैं। और अच्छी तरह से इसे को पकाना है। तो टमाटर को पकाने के लिए जो हमने दाल बॉईल करके रखी हुई है, इसका हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें, और हम उसको डालकर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं चने की दाल इस तरह से हमने बॉईल करके रखी हुई है। तो ये अलग अलग भी दिख रही है, लेकिन अच्छी तरह से ये पकी हुई है। देखिए इस तरह का होना चाहिए दाल तड़का में, बिल्कुल मशी नहीं हो जाए। और बस थोड़ा सा ऊपर से पानी लेकर आप इसमें डालें, और डालने के बाद आपको इसी तरह से टमाटर को भूनना है। इस तरह से आप कभी टमाटर की भुनाई करें और दाल तड़का बनाएं, बहुत ही अलग टेस्ट आता है। तो दाल का पानी हम यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, और टमाटर को थोड़ा सा मसी होने तक इसको पका लेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो मसाला हमारा भून गया है अच्छी तरह, इसमें हम ऐड कर देंगे दाल को। ढक्कन को लगाएंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो एक पैन में इस तरह से हमने थोड़ा सा घी डाला है, और घी गर्म हो गया है, इसमें हम फिर से डालेंगे 1 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छी तरह से पकाना है इसे, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। तो लहसुन अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और ऐड कर दिया है थोड़ा सा इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और डाल दिया है इस चॉप को हमने दाल के ऊपर में। तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया कलर आया है दाल का। और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती। तो बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल दें, और इसे आप ढक्कन लगाएं और थोड़ी देर के लिए इसी तरह रहने के लिए दें। और इसे गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। और हाँ, सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करना ना भूलें। तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है ये दाल तड़का, इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ और अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।